तो नमस्कार, आपका स्वागत है डियर फ्रेंड्स। आज बात करेंगे बिहार की भर्ती बहाली नियुक्ति से संबंधित आई हुई अपडेट्स के बारे में। जी हाँ, आप लोग को बता दें, बिहार में लगभग 2.25 लाख पदों पर शिक्षक की वैकेंसीज आने वाली है, जिसको लेकर आज अपडेट दिया गया है। इसी के साथ बिहार के कुल 4 विश्वविद्यालयों में जो है लगभग 500 पदों पर भर्ती किया जाएगा, जिसको लेकर अपडेट्स आ चुकी है। बात करेंगे तीसरी अपडेट्स की, तो तीसरी अपडेट्स आप लोग को बता दें, बिहार राजस्व विभाग अंतर्गत 2700 पदों पर नियुक्ति को लेकर अपडेट्स है। सभी जानकारी विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, अन्य भी जो जानकारी आप लोग को दिया जाएगा इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं और आप लोग को एकाएक सभी जानकारी बताते हैं। तो आज की सबसे पहली अपडेट शिक्षक भर्ती को लेकर है। जी हाँ, 7वें चरण में कक्षा 1 से 12 तक के 2.25 लाख पदों पर आएगी वैकेंसीज। जी हाँ, खुशखबरी, वित्त विभाग के फैसले के बाद कैबिनेट में भेजा जाएगा प्रस्ताव। तो शिक्षक जो है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो रहा है। बिहार राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के लगभग 2.25 लाख शिक्षकों के लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 की जो फाइल है वो शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजी है। जो फाइल होती है वो शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेज दिया है। अब वित्त विभाग जो है फाइल लौटाने के बाद ही जो है अध्यक्षता विभाग और उच्च अधिकारियों की बैठक होगी, उसके बाद ही जो है अंतिम रूप देकर कैबिनेट में स्वीकृति ली जाएगी। तत्पश्चात सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, फिर जो है 7वें चरण की वैकेंसीज निकल के आएगी। तो एक तरह कहा जाए तो काफ़ी दिनों के बाद जो है प्रोसेस आगे बढ़ रही है, खुशखबरी कह सकते हैं। दूसरी अपडेट्स की ओर चलते हैं। दूसरी अपडेट जो कि राजस्व विभाग में जो है होगी 2700 पदों पर नियुक्ति। जी हाँ, एक खुशखबरी इधर भी आ रही है। अब फिर से एक बार राजस्व विभाग अंतर्गत 2700 पदों पर नियुक्ति होगी, जिसको लेकर अपडेट आ चुकी है। आप लोग को बता दें, ये पदों का सृजन किया जा रहा है, फिर कैबिनेट से जो है मोहर लगेगी, उसके बाद जो है भर्ती निकल के आएगी। आप लोग को बता दें, इससे पहले भी भर्ती हो चुकी है नियुक्ति, बहुत सारे जो है कैंडिडेट्स, इससे पहले जो भर्ती हुई थी उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे कि नौकरी छोड़ के चले गए थे, उसी की कमी के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर ये भर्ती लिया जा रहा है। इसके बाद और एक अपडेट यहीं पर देख पाएंगे आप लोग, सड़क हादसे रोकने के लिए लगभग 16 पदों का जो है सृजन किया गया है। इन 16 पदों पर जो है ऑफिसर तैनात होंगे। जितने भी बिहार राज्य में सड़क दुर्घटना होती है उनमें कमी लाने के लिए ये 16 पद सृजित किया गया है, इन पे जो है तैनाती होंगी, भर्ती लिया जाएगा। चौथी अपडेट्स की बात करें तो देख पाएंगे 4 विश्वविद्यालय में होगी लगभग 459 शिक्षक कर्मियों की बहाली। ये कर्मी जो है बहाली होंगे, ये स्पेशल बिहार के 4 अलग अलग विश्वविद्यालय से होंगे। पद सृजन जो है लगभग हो चुका है, अब कैबिनेट में जो है बस मोहर लगना है, मोहर लगने के बाद नोटिस आएगी, फिर जाके ये भर्ती होगी। आगे के अपडेट्स की बात करें तो टोला सेवक जहाँ पढ़ा रहे हैं अब वहाँ पर जो है लगेगा बोर्ड, ये भी एक अच्छी खबर है। काफ़ी दिनों की बात इस प्रकार की खबर आ रही है और ये जो है अपडेट्स आ रहे हैं आप लोग को पूरी बिहार के लिए। जी हाँ, पूरी बिहार भर में सभी ज़िलों में जो है DPO को दिया गया निर्देश कि अब जो है खाना पूर्ति सामने आने पर जो है बख्शी नहीं जाएगी, टोला सेवक जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पर लगेगा बोर्ड। गुड न्यूज़। आगे बात कर लेते हैं, BPSC 67B की PT में सभी 1153 केंद्रों पर अब लगेंगे जैमर। जी हाँ, जैमर के देखरेख में जो है परीक्षा 30 सितंबर 2022 को एक पाली में 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक जो है बीच एग्जामिनेशन होने वाली थी, छात्रों द्वारा आंदोलन भी किया गया था। आगे के अपडेट्स की बात करें तो प्राभी के जो शिक्षक है व परिचारी है उनको अब MCP का जो है लाभ मिलने वाला है, जो कि अपडेट आ चुकी है। डिटेल्स अगर आप लोग को जानना है, इस नोटिफिकेशन को आप लोग रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन PDF हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं, सभी जानकारी डिटेल्स आप लोग ले सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से भी, वहाँ पे हमने पेपर कटिंग शेयर कर दिए। इसी तरह रोज़ाना
जो है अपडेट्स पाना चाहते हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो भी आती है भर्ती की हमने आप पे आप लोग को लाते हैं और सूचना देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, भर्ती की अपडेट जैसे जैसे बिहार से आती रहेगी हमने आप लोग को सूचना देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।